नमस्कार दोस्तों, अगर आपका घर में इस तरह का एलईडी बल्ब है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद में आपका ही फायदा होने वाला है। तो क्या फायदा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो एलईडी बल्ब होता है ये हमारा नॉर्मली 1 या 2 साल गारंटी में आता है और ये हमारा आराम से 3-4 साल जलता है। लेकिन अगर हम इसमें एक चीज लगा देंगे तो इसका जो लाइफ होगा वो डबल हो जाएगा। ये हमारा जितना भी साल जलता था उससे 2 गुना ज्यादा साल जलेगा। तो कैसे क्या करना है सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो बल्ब जलता है वो हमारा इस तरह का या फिर किसी भी प्रकार का होल्डर से जलता है। तो ये होल्डर में हमें एक सेटिंग करना है, और क्या सेटिंग करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये होल्डर में हमें एक इस प्रकार का कैपेसिटर लगाना है, और ये कैपेसिटर का वैल्यू है 2.5 mFd। तो आप 2.5 mFd का किसी भी कंपनी का कैपेसिटर को इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो कैपेसिटर होता है ये आपको इलेक्ट्रिकल की दुकान पर लगभग 20 या 30 रुपए में मिल जाएगा। और ये कैपेसिटर का आपको सबसे पहले चेक करना है, ये कैपेसिटर सही होना चाहिए। अगर ये कैपेसिटर खराब है तो यहाँ पर हमारा ट्रिक काम नहीं करेगा। तो कैपेसिटर सही है या फिर खराब है कैसे चेक करते हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हमारा जो घर का बिजली का बोर्ड होता है वो जो सॉकेट होता है उसमें हमें क्या करना है, कैपेसिटर का दोनों तार को कुछ समय के लिए उसमें लगाना है, और उसके बाद में ये चार्ज हो जाएगा। और ये दोनों तार को आपस में लगाने से ये हमारा स्पार्क करना है, यहाँ पर हमारा पटाखा जैसा साउंड आना चाहिए। अगर साउंड आएगा तो इसका मतलब दोस्तों हमारा कैपेसिटर सही है। देख सकते हैं बहुत ही तेजी से यहाँ पर ये स्पार्क कर रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों ये कैपेसिटर सही है। तो इस तरीके से स्पार्किंग करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कैपेसिटर सही है या फिर खराब है। तो चलिए, कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे करेंगे होल्डर के साथ में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, हमारा होल्डर में क्या होता है, इस तरीके का जो हमारा लाइन का और हमारा न्यूट्रल का दो तार आता है, यानी कि फेज और न्यूट्रल जो दो तार आता है वो हमारा होल्डर के साथ में कनेक्शन होकर रहता है। तो नॉर्मली ये जो होल्डर में 2 पॉइंट होता है यही 2 पॉइंट में ये दोनों तार हमारा जुड़ते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, ये कैपेसिटर को लगाना है। तो कैसे लगाना है चलिए लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले होल्डर का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे मैंने इस तरीके से ये दोनों तार को फंसा लेता हूँ, और ये कैपेसिटर का दोनों तार को भी इसके अंदर में डाल देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमारा 4 तार आ चुके हैं, तो ये चारों तार का कनेक्शन हम यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये दोनों में से कोई भी एक पॉइंट के साथ में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये दो तार है ये दोनों में से कोई भी एक तार को हम लगा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो न्यूट्रल का तार है वो हम लगा लेते हैं एक पॉइंट के साथ में। तो देखिए, ये हमारा लग चुका है न्यूट्रल का पॉइंट, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, कैपेसिटर का दो तार में से कोई भी एक तार को दूसरा जो पॉइंट है होल्डर में उसके साथ में हम जोड़ लेते हैं इस तरीके से। दोस्तों देखिए, हमारा न्यूट्रल का जो तार था उसको एक पॉइंट के साथ में लगाना है, और कैपेसिटर का एक तार को एक पॉइंट के साथ में लगाना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर हमारा एक फेज का तार बचा और एक कैपेसिटर का तार बचा, तो इन दोनों को हमें एक साथ में आपस में मिला लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमारा कनेक्शन हो गया है। अब दोस्तों अगर इस होल्डर में हम कोई भी एलईडी बल्ब को लगाते हैं तो वो एलईडी बल्ब हमारा प्रोटेक्शन हो जाएगा, और उसका जो लाइफ होगा वो 2 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए मैंने आपको यहाँ पर चेक करके दिखा देता हूँ। तो चेक करने के लिए देखिए, ये जो हमारा तार है इसको हमें क्या करना है, हमारा जो घर का बिजली का बोर्ड है वहां पर हम इसको लगा लेते हैं। ये आपका स्विच बोर्ड के साथ में कनेक्शन होता हुआ रहेगा, जो वो होल्डर के साथ में जो तार लगता है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये तार को बोर्ड में लगा लेता हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो हमारा बल्ब है इसको हम होल्डर में लगाएंगे। तो देखिए, ये बल्ब हमारा जल रहा है, यहाँ पर होल्डर में थोड़ा सा लूज कनेक्शन हो रहा है जिस वजह से ये बल्ब बंद हो जाता है, लेकिन ये बल्ब हमारा सही से जल रहा है। आप लोग देख सकते हैं होल्डर थोड़ा सा लूज हो गया है जिस वजह से बल्ब बंद हो जाता है। अब देखिए, ये हमारा बल्ब सही से जल रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिकली चेक करके दिखा दिया, और जब आप इसको अपना घर में इस्तेमाल करोगे तो आप ये कैपेसिटर को होल्डर के पास में लगा सकते हो, और ये जो दोनों तार है ना इनको क्या करना है, इनको टेप लगा के चिपका लेना है, और ये होल्डर का जो ऊपर का ढक्कन है इसको टाइट कर लेना है। और ये कैपेसिटर का आप ये जो हमारा घर का बोर्ड होता है बिजली का बोर्ड जिसमें हमारा बल्ब का स्विच रहता है, वो स्विच बोर्ड के अंदर में भी आप ये कैपेसिटर को लगा सकते हो, वो सबसे बढ़िया रहेगा। तो स्विच बोर्ड के अंदर में ये कैपेसिटर को कैसे लगाते हैं अगर आप वो भी जानना चाहते हो तो उसके ऊपर में मैंने एक डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करोगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता दिया कैपेसिटर को कैसे कनेक्शन करने से हमारा एलईडी बल्ब सेफ रहेगा। तो ये दोस्तों कैपेसिटर क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कैपेसिटर हमारा जो घर का बिजली का पावर फैक्टर होता है ना वो उसको सही कर लेता है, और जिस वजह से हमारा जो बल्ब होता है वो हमारा ज्यादा दिन के लिए जलता है। दोस्तों ये बल्ब को एक अच्छा खासा अगर
सही वोल्टेज मिलेगा तो ये बल्ब हमारा अच्छे से जलेगा। अगर इसको जो एसी वोल्टेज आता है वो अप डाउन रहेगा तो ये अच्छे से जलेगा, लेकिन ये हमारा ज्यादा दिन के लिए नहीं जलेगा। तो इस वजह से ये कैपेसिटर को लगाने से क्या करता है, ये हमारा जो वोल्टेज होता है उसको सही कर लेता है, उसको फ्लक्चुएट करने नहीं देता है, जिस वजह से ये बल्ब हमारा बढ़िया से जलेगा और ज्यादा दिन के लिए जलेगा। और दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरीके से बल्ब को जलाने से ये बल्ब का जो रोशनी होगा वो कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसका नॉर्मली जितना रोशनी आता है कैपेसिटर के साथ में भी बिल्कुल उतना ही रोशनी आएगा। और दोस्तों ये जो 2.5 mFD का कैपेसिटर देख रहे हैं ना, इसी वैल्यू का कैपेसिटर के साथ में आप आराम से 2 9 वाट का एलईडी बल्ब को जला सकते हो। देखिए अगर आप 12 वाट या फिर 15 वाट एलईडी बल्ब को भी जलाना चाहते हैं तो आप यही 2.5 mFD का कैपेसिटर से भी जला सकते हैं। यानी कि ये जो 2.5 mFD का कैपेसिटर है यह हमारा आराम से 20 वाट तक का जो एलईडी बल्ब होता है उसको आराम से चला देगा। अगर 20 वाट से ऊपर का एलईडी बल्ब है तो आप वहां पर 3.15 या फिर 4 mFD का कैपेसिटर लगाएं, वो सबसे बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जो कि बिल्कुल ही फ्री है।